HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अपने जैसी शक्ल के व्यक्ति को देखना बड़ा रोमांचक अनुभव हो सकता है। आमतौर पर सेलेब्स को ही यह मौका मिलता है क्योंकि उन्हीं के डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन चाहे तो हर कोई अपना हमशक्ल खोजने की कोशिश कर सकता है। इस काम में ट्विन स्ट्रेंजर्स नामक वेबसाइट मदद कर सकती है। जानिए इस वेबसाइट के बारे में। अप्रैल 2015 में नियाम गिनी नामक एक 26 वर्षीय स्टूडेंट और टीवी प्रेजेंटर ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ट्विन स्ट्रेंजर्स नामक प्रोजेक्ट शुरू किया था। कुछ ही महीनों के भीतर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें अपनी एक नहीं दो हमशक्लें मिल गईं। डबलिन के नियाम को अपनी पहली डुप्लीकेट मिली कारेन ब्रैनिगन के रूप में। दोनों की मुलाकात भी हुई और उनकी फोटो जल्द ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई। यह नहीं, कुछ समय बाद इटली के लुई सागे जार्डी ने उनकी वेबसाइट के जरिए उनसे कॉन्टैक्ट किया। नियाम को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि लुइसा भी हूबहू उन्हीं की तरह थी। वे उनसे मिलने इटली भी गईं, जहां लुइसा की मां ने कहा कि दूर से नियाम को देखकर मुझे लगा कि मेरी बेटी ही है। इस वेबसाइट पर इस तरह के कई अन्य अनजान जुड़वां की तस्वीरें और वीडियो हैं। जुड़वां खोजने के मामले में शायद वेबसाइट की फाउंडर नियाम सबसे ज्यादा लकी हैं, क्योंकि उन्हें आयरिन के रूप में अपनी तीसरी डुप्लीकेट भी मिल गई है। उन दोनों का वीडियो भी वेबसाइट पर अपलोड है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर कराने के बाद अपनी कुछ फोटो अपलोड करनी पड़ती है। इसके बाद आपको कुछ विकल्पों पर क्लिक करना होता है। इनमें आपके चेहरे के बारे में पूछा जाता है, जैसे चेहरे का शेप, आँखों और आईब्रो का प्रकार आदि। आपको दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त पर क्लिक करना होता है। फिर यह वेबसाइट अपने डेटाबेस में से आपके चेहरे से मिलते जुलते चेहरे छांट कर पेश करती है। बहरहाल ध्यान रहे कि इस वेबसाइट की शुरुआती सर्विस ही मुफ्त है। इसके डेटाबेस में ज्यादा गहराई से सर्च करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यह भी ध्यान रखने लायक बात है कि जरूरी नहीं कि आपको अपना डुप्लीकेट मिल ही जाए। वेबसाइट खुद पर रजिस्टर्ड लोगों के डेटाबेस में सर्च करती है।